अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग है। आज मैं बना रही हूँ बिस्किट की बर्फ़ी। इसके लिए ये मैंने सुपर के बिस्किट लिए, ये वाले रोल लिए, ठीक है। ये मैंने 3 रोल ले लिए हैं, बिस्किट मैंने निकाल लिए। ये कंडेंस मिल्क लिए, पानी लिए, ये खुश्क दूध लिए, ये आप कोई भी ले सकती हैं, ठीक है। एक कप मैंने ये पानी लिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जैसे इसको उबाल आएगा तो फिर मैं ये बिस्किट डाल दूँगी। इधर ये देखिए, पानी अच्छी तरह गर्म हो गया। अब हम इसमें ये बिस्किट डाल साथ, ठीक है। इनको अच्छी तरह नरम कर लेंगे। बस ये देखिए, इस तरह सारे बिस्किट को आपने अच्छी तरह मैश कर लेना। ये देखिए, ये सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, एक हलवे की शेप बन जाएगी। ये देखिए ज़रा, ठीक है। आँच आपने हल्की रखनी है। ये 2 चम्मच आप ऑयल भी डाल सकते हैं और आप मक्खन भी डाल सकते हैं। या फिर तो आपने अच्छी तरह फिर भूनना है। ये देखिए, जितने भी इसके जो मोटे मोटे पीसीस हैं इनको नरम कर देना। ये देखिए, बस हम इसमें ये कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं कंडेंस मिल्क के। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास कंडेंस मिल्क था, मैंने वो कंडेंस मिल्क डाल दिया। ये देखिए विवर, 2 टेबलस्पून आपने सूखा दूध इस्तेमाल कर देना। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ही है, ठीक है। विवर, तो आपने आग जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना। ये देखिए ज़रा, इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना। ये देखिए विवर, इस दूध को भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये व्यूवर्स, जिस बर्तन में आपने निकालना है उसको थोड़ा सा ये ग्रीस कर लें। ये देखें, ये इस तरह मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। ये फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया इसका। ये देखिए, ये सारे मिक्स कर लिया मैंने। ये देखिए व्यूवर, इस तरह मैंने इसको फैला लेना। ये देखें व्यूवर, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से यूं करके इसे फैला देना, ठीक है। बादाम भी आप फेंक सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वो नारियल का चूरा भी, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, क्रश कोकोनट भी लगा सकते हैं और बादाम भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ने ये लगा दिया, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा होने के बाद फिर हम आपको दोबारा चेक दिखाएंगे, ठीक है। साथ ये कट से लगा लिए। आप जिस तरह चाहे इसको बना लें, चाहे स्क्वेयर में बना लें, चाहे आप ट्राइंगल में इसको बना लीजिएगा। ये मैंने निकाल के अब आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए विवर, ये था हमारा आज का व्लॉग। आज हमने बनाया बिस्किट की बर्फ़ी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक भी दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बहुत ही डिलीशियस सा व्लॉग। आज हमने बनाया है बिस्किट बर्फ़ी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और रिव्यूज़ दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें और हासिल कीजिए मज़ेदार रेसिपीज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। अल्लाह ने के बाद